भाई हेलमेट पहना ही नहीं है उसने। भाई क्या रोड है ये, वो बस वाले ने उसको हॉर्न बजा के डरा ही दिया। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे और एक व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे सब। तो आज हम ऐसे ही राइड पे निकले, आज मंडे है, बैंक हॉलीडे भी है, आज कुछ महाराष्ट्र दिन ऐसा कुछ है प्रॉपर। आज एक वीक के बाद गाड़ी निकला। लास्ट वीक अपन वो प्लेस ढूंढने के लिए गए थे, अगर आपको याद है, जहाँ पे राइडर्स का ग्रुप जमा होता है, बट वो अपने को नहीं मिला। और घर आने के बाद मुझे पता चला कि अपन टोटल अपोजिट साइड गए थे। तो वो मैकडी तो था उधर, बट ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता जहाँ पे मतलब सब राइडर्स एक साथ जमा होते हैं। तो घर आने के बाद मुझे पता चला वो लोकेशन के बारे में। तो आज हम वही लोकेशन पे जा रहे हैं। तो आज पहले तो अभी अपना गाड़ी धोने वाले, क्योंकि बहुत ख़राब हो गया है, बहुत मतलब बहुत। अब मुझे ये कवर डाल के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कवर था पूरा वीक। लास्ट व्लॉग में अपन ने ट्रेन का रेस भी किया था, 220 के साथ भी रेस किया था, तो काफ़ी मज़ा आया था। वो रेस कुछ इंटेंशनली नहीं था, अचानक हो गया, वो एक टाइप का वो ड्रैग रेस ही था। और लास्ट व्लॉग में अपन ने जब वो रेस किया था, बाप रे, ऑडियो इतना ख़राब हो गया था ना गाइस, क्या बताऊँ। बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मेरा वो ग्लास नीचे करना चाहिए था, तो हाई स्पीड में ऑडियो बहुत ख़राब हो रहा था। आज अपन वो ग्लास नीचे करके अपन ट्राई करेंगे एक बार थोड़ा हाई स्पीड में भगा के। ओ शिट गाइस, मैं वॉलेट में घर पे ही भूल गया, तो मॉम को ना कॉल करते, तो अपना भी वॉलेट मिल गया। फिर जाते हैं अभी गाड़ी वॉश करने। राइड बिजी राइड है, देख सिंपल है। हाँ कैमरा चालू है, तू आ जाएगा व्लॉग में। गाइस तो अभी मस्त गाड़ी अभी वॉश हो गया, अब अपन चलेंगे सीधा अपने डेस्टिनेशन पे। आगे जाके थोड़ा हैंड ग्लोव्स पहनते, गाड़ी थोड़ा गर्म होने दो। तो अभी ऑल सेट है, अभी अपन जाएंगे नॉन स्टॉप। लास्ट टाइम अपने को पूरा रूट खाली मिला था, क्योंकि जो वाशी वाला रूट है वो काफ़ी खूबसूरत है और पूरा खाली रहता है वो, बट ये रूट में अपने को इतना खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत ट्रैफिक होता है और रोड भी थोड़े ख़राब है एज़ कम्पेयर टू वाशी रोड्स। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और इस बार मैं अकेला ही हूँ। लास्ट टाइम वो मेरा फ्रेंड भी था छोटा सा, जो मेरे काफ़ी वीडियोस भी शूट करता है, तो उसको आज थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ, तो सोचा कि मैं अकेला ही जाता हूँ, बट वो जगह ढूंढनी है गाइस। भाई हेलमेट पहना ही नहीं है उसने, पीछे वाले के हाथ में दिया है, क्यों? क्योंकि उसको हवा खाना है। तो 80% तो मुझे रास्ता मुझे पता है, जगह ढूंढना इतना मेरे लिए ये था ना, मैंने 2-3 वीडियोस में मैंने देखा, फिर मैंने आजू बाजू के होटल्स के नाम देखे, फिर मैंने वो सर्च किया, फिर जाके मुझे वो मिला, फिर मैंने मैप में चेक किया गूगल मैप्स में। अरे रे 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 रे, इसको क्या हो गया भाई, इसका टायर पंचर हो गया बीच रास्ते में। एक्चुअली मैं कल ही मैं निकलने वाला था, बट सुबह मुझे पता चला कि जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे बहुत बारिश है, तो बारिश में मुझे फालतू मुझे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि गोप्रो कैमरा सब कुछ है, तो इसलिए कल का मेरा कैंसिल हो गया। तो आज मैं देखा कि आज भी बैंक हॉलीडे, तो सोचा तो आज मंडे था, आई होप आज बारिश न गिरे। और कोइंसिडेंटली गाइस पता है, वो वाला मैकडी और जहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं वो वाला मैकडी ऑलमोस्ट सेम किलोमीटर है, 44-46। बस वो रोड थोड़ा अच्छा है, ये रोड थोड़ा खराब नहीं बोल सकते, बट ओके ओके गाइस। तो फाइनली अभी अपन ने मैप भी लगाया, तो अभी यहाँ से कितना 27 मिनट्स बता रहा है, 20 किलोमीटर्स बता रहा है,
आखिरी और लास्ट एपिसोड में मैंने गलती से मैंने बाद में डोमिनोज का नाम लिया था, तो वो गलती से बोला था मैंने, एक्चुअली मैकडी है। अब यहाँ से थोड़ा मुझे अच्छा रोड लग रहा है, सुकून। ओहो हो, क्या टर्न है, हाय हाय। भाई क्या रोड है ये, बाप रे भाई, ये बलून देखो, ओ शिट, ब्रिज देखो। मैं कितने साल के बाद आया होगा ये रोड पे, इसलिए मुझे सब नया नया लग रहा है। वाव, अभी अपन पहुंचने ही वाले और यहाँ पे सब ढाबे ही है, जो भी खाने का होटल है सब ढाबा है, नाम अलग अलग है बस, बट नीचे आपको ढाबा ही मिलेगा। देखो यादव ढाबा, ओ शिट, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है गाइस। बच गया ये, वो बस वाले ने उसको हॉर्न बजा के डरा ही दिया, बेचारा लेफ्ट में आ गया अभी। ओ ये रहा वो मैकडी गाइस जो अपन ढूंढने की तलाश में है, यही है वो। आज तो कोई दिख नहीं रहा, यहीं पे गाड़ियाँ रुकती है सब, और फिर यहाँ से वो लोग निकलते हैं कहीं भी जाना होता तो। गाइस तो यही है वो जगह, आज तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बट अपन एक ऐसा संडे का प्लान करेंगे, संडे को मॉर्निंग में जल्दी आएंगे क्योंकि सुबह के टाइम में ना फोर व्हीलर रहती है ना कोई रहता है, इसलिए राइडर्स लोग सब सुबह ही आते हैं जल्दी। और ये जो है ना, यही मैं सर्च करके आया था गाइस, एसपी ढाबा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में मैंने देखा था तो मुझे पता चल गया। तो इस छोटे से ब्लॉग का हम यहीं पे ख़त्म करते गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।